तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर कमाल कर दिया है, लेकिन ये मंजिल यूं ही नहीं आई, इसके लिए उन्होंने कड़ा जतन किया। तो आइए नीरज और उनके परिवार की जुबानी आपको सुनाते हैं कि कैसे नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बने। भारत का भाला गोल्ड मेडल वाला, हरियाणा का लाल कर दिया कमाल, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओलंपिक में भाले से गाड़ा लठ, हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या भले वाला लठ गाड़ दिया। एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल, हरियाणा के लाल पर हर हिंदुस्तानी को गर्व। नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश खुशी से झूम रहा है, पूरा देश खुशी से नाच रहा है, जश्न मना रहा है, और मनाए भी क्यों। क्योंकि ओलंपिक में हरियाणा के लाल ने ऐसा कमाल किया है कि सारा देश उस पर नाज कर रहा है। हरियाणा के लाल ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है, भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाया और 121 साल के सूखे को खत्म किया। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो करके इतिहास रच दिया और बन गए सूबेदार नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा। लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा यूं ही गोल्डन बॉय नहीं बन गए, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बनने के लिए सबसे पहले उन्हें खुद से लड़ना पड़ा, या यूं कहें कि नीरज की पहली परीक्षा खुद से थी, और वो थी उनका वजन। नीरज जब 15 साल के थे तो उन्हें मीठा खाना खूब पसंद था और वो खूब मीठा खाते भी थे, जिसकी वजह से उनका वजन 80 किलो हो गया था। पर नीरज ने बढ़े वजन को कम करने की जब ठानी तो ऐसी ठानी कि आज वो युवाओं के लिए फिटनेस का एक आइकॉन बन गए हैं। जी, नीरज को बचपन से मीठा बहुत पसंद था, और मीठा पसंद होने के कारण ही उनका ओवरवेट हो गया था। जैसे मतलब वो स्कूल से आते थे, ओवरवेट कितना उनका 15 साल की उम्र में लगभग 80 किलो के आसपास वजन था। अच्छा। जी, तो फिर उसी वेट को मेंटेन करने के लिए वो शिवाजी स्टेडियम जाने लगे, और वहाँ पर उनके कोच के साथ मिलकर उन्होंने पहले अपना वेट मेंटेन किया, और फिर अपने कुछ सीनियर्स को देखकर उन्हें ये लगा कि वो जैवलिन मतलब ट्राई करना चाहते हैं। और जब उन्होंने जैवलिन ट्राई किया तो उनका ट्राई ही मतलब बहुत बेस्ट था। तब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे जैवलिन करना है। अपनी फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए, मतलब ऐसे फिटनेस थोड़ी सुधारने के लिए, क्योंकि मोटा था, तो ऐसे स्टेडियम में गया तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे, तो मैंने उनको थ्रो करते हुए देखा, तो बाकी सभी स्पोर्ट्स वहाँ पे थे, लेकिन मुझे जैवलिन थ्रो ही बहुत पसंद आया। नीरज के फिटनेस नीरज के साथ साथ उनकी माँ के लिए भी अहम विषय था। दुनिया की हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खिलाए, पर बेटे के सपने की खातिर माँ ने भी वही किया जो उसका बेटा चाहता था। हरियाणा में लोग दूध और दही काफी ज्यादा खाते हैं, घी भी, इससे भी बचते थे वो। घर आने का तो खुल खाते थे, बाहर करदा जो करदा घर पर तो खूब खा लेता, घी दूध दही और चूरमे मन करा करदा चूरमा करवा। अच्छा, अपने पूरे रूटीन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। हाँ जी, प्रैक्टिस होती, गेम देखने लगते जी तो सारी छोड़ देता, फिर तो रोटी भी आज दिखाया करे था, वो कमे कर देता था। और यहीं से शुरू होता है नीरज के गोल्डन बॉय बनने का सफर। पर यूं ही कोई नहीं बन जाता गोल्डन बॉय,
उसके लिए खुद को आग में तपाकर कुंदन बनाना होता है। गोल्डन बॉय बनने के लिए हर रोज चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो या फिर घना कोहरा ही क्यों ना हो, इन सब को भुलाकर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर मिलती है मंजिल और बनता है इतिहास। हमें अपार खुशी है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, दिल के अंदर इतनी खुशी है कि हम कुछ बता नहीं सकते। जिसके इरादे फौलादी होते हैं और सपनों में जान होती है, भला वो चोट से कैसे हार मान ली। 2019 में नीरज को भी चोट के चलते कोहनी का ऑपरेशन करवाना पड़ा, पर नीरज जानते थे कि जिन हाथों से देश के लिए मेडल उठाना है उसे चोट के बाद और भी मजबूत बनाना होगा, और नीरज ने किया भी ऐसा ही, जिसका सबूत आज दुनिया के सामने है। हाँ बिल्कुल, वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में 2008 में पहली बार अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, हरियाणा के आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक, हर कोई नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है, नीरज के जज्बे और मेडल जीतने के जुनून की तारीफ कर रहा है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। आज नीरज देश के लिए गोल्डन बॉय है, वो हीरो है जिन्होंने 121 साल से एथलेटिक्स में सोने का इंतजार कर रहे देश की आंखों में उम्मीदों का नया संसार सजाया है और देश को ये एहसास दिला दिया है कि एथलेटिक्स में भारत का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।